हेलो फेलो म्यूजिक लवर्स, वेट, समथिंग इज मिसिंग। हेलो फेलो म्यूजिक लवर्स, और जो पिछले इंट्रो में हम मिस कर रहे थे उसे ही हम कहते हैं बीजीएम या बैकग्राउंड म्यूजिक। इसका इंपैक्ट समझने के लिए अगला एग्जांपल स्वदेश से ही। अगर आप इंडियन सिनेमा में बीजीएम की कोई चार्ट बनाओगे ना, तो स्वदेश उस चार्ट की चार्ट बस्टर होगी। कभी सुना है कि किसी मूवी के बीजीएम के ही हजारों फैंस हैं? वेल, क्या बनाता है स्वदेश को और उसके बीजीएम को इतना स्पेशल, जानेंगे आज के एपिसोड में ऑफ हैव यू हर्ड स्वदेश बीजीएम। इट्स एक्चुअली अ बेसलाइन। स्वदेश इज अ मूवी अबाउट मोहन भार्गव। जैसे गांधी जी 100 साल पहले आए थे और उन्होंने चेंज लाया, वैसे ही मोहन इंडिया में चेंज लाने आए। लेकिन आप भी मानोगे, ऐसी सोशल मूवीज पर लोग इतना ध्यान नहीं देते, स्पेशली अगर वो इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करी जाए। तो रहमान को ये पता था कि आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्हें स्टार्टिंग में ही एक ट्यून आपको देनी पड़ेगी। तो मोहन इंडिया आ रहे हैं कावेरी अम्मा को ढूंढने के लिए। ये जो कैची अकॉर्डियन ट्यून है, ये मूवी में इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जब मोहन खिड़की के बाहर इंडिया को देखते हैं तो ये ट्यून कुछ बदल जाती है। और ये जो दूसरी ट्यून है, ये रिप्रेजेंट करती है कि मोहन के इंडिया को लेकर क्या इमोशंस हैं। अब मोहन लेने आए थे कावेरी अम्मा को, लेकिन उन्होंने बोला कि जब तक गीता की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मैं वापस नहीं जाऊंगी। और गीता की प्रॉब्लम ये है कि गीता के स्कूल में बच्चे चाहिए, तो मोहन जाते हैं खुद गांव वालों को कन्विंस करने के लिए कि वो अपने बच्चे स्कूल में भेजें। इस इंटरेक्शन में वो इंडिया के फैब्रिक्स को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें पहली बार पता चलता है कि एक्चुअल इंडिया है क्या। इसी सेटअप में रहमान यूज करते हैं इस ट्यून को इंडियन माइंडसेट और इंडियन कल्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे कौन ठाकुर हो तुम? अब ये जाति का सवाल सुन के मोहन बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और एज एन ऑडियंस हमें नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने जात का है तुम्हारी? लेकिन व्हेन ही स्माइल्स एंड ही डिसाइड्स टू प्ले अलोंग, यू विल रियलाइज कि बीजीएम आल्सो प्लेज अलोंग। जी मैं ब्राह्मण, तो वही तरह आचरण करना भी सीखो। सिमिलरली बाद में जब मोहन अपनी नजर से इंडिया के बारे में गांव वालों को बता रहे हैं, तब ये ट्यून वापस लौट के आती है, दैट ही इज मेकिंग अ कमेंट ऑन इंडिया। बट ऑफ कोर्स स्ट्रिंग्स का यूज किया गया है टू डिनोट कि ही इज अ लिटिल सैड एंड मेलो अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द कंट्री। ये देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, अगर हम सिर्फ यही कहते रहे तो सचमुच एक दिन ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस ट्यून को क्लोजर देने के लिए एंड में जब मोहन चेंज ला रहे होते हैं तो यही ट्यून बहुत एंथुसियाज्म के साथ वायलिन के साथ फिर से प्ले होती है। जब मोहन रिजर्वॉयर में कूदते हैं उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, तो सेम अकॉर्डियन में जो शुरुआत में ट्यून बजी थी वो फिर से बजती है। ये डिनोट करता है कि मोहन जो इंडिया का पानी तक नहीं पीते थे, गुड और बैड, अब ये इंडिया मोहन का है। अब मोहन जब वापस जा रहे हैं तो फिर से ये ट्यून आती है, बट नाउ इन अ मोर सैड वे। मुझे अचानक निकलना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारे स्पॉन्सरशिप के पेपर्स मैं वहां से भेजता हूं। इंटरेस्टिंगली जब मेलाराम ये बोलते हैं कि उन्हें अमेरिका नहीं जाना, मोहन की वजह से उनकी लाइफ में और इंडिया में कुछ चेंजेस आए हैं, तो मोहन के इंपैक्ट को दिखाने के लिए वही शुरुआत वाली ट्यून यूज होती है जो मोहन के इमोशंस है इंडिया के लिए। हम यही ठीक है बाबू, आपके टच में आने से कुछ चीजें बदली है गांव में, कुछ बदलाव जरूर आया है। फिर इस वाले सीन में भी देखो, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गांव वालों को। मैं मानता हूँ आपकी कारीगरी बहुत उम्दा है, पुश्तों से चली आ रही है और बच्चों को ये कारीगरी सीखनी ही चाहिए। आई थिंक मूवी का सबसे आइकॉनिक पार्ट है जब वो हरिदास से मिलने दूर गांव में जाते हैं और उसका दुख सुन के खुद बहुत दुखी हो जाते हैं। अंत में जब वो अकेले इसके बारे में सोच रहे होते हैं, रहमान एक बहुत ही स्लो फ्लूट यूज करते हैं जो उस थॉट को डिनोट करता है जो उनके दिमाग में इस समय चल रहा है। जब अगला दिन होता है और वो वापस जा रहे होते हैं, तो सेम ट्यून यूज करी जाती है टू डिनोट कि मोहन के दिमाग में कुछ चेंज नहीं हुआ है, अभी भी सेम थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, बट इंस्ट्रूमेंट दूसरा है। अब रहमान फ्लूट यूज नहीं कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग्स यूज कर रहे हैं जो डिनोट कर रहा है ट्रैवल को, वो एक ट्रेन जैसी साउंड निकाल रहे हैं।
BGM चेंज होता है टू मैच द फास्ट मूविंग ट्रेन, विच इज अनदर शेड ऑफ हाउ ही इज फीलिंग इनटू द मोमेंट. ही इज फीलिंग वेरी कॉन्फ्लिक्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड अपने ही आइडेंटिटी और थॉट से लड़ते हुए. अब ध्यान दीजिएगा कैसे वो इस BGM को ब्रेक करते हैं और सेंटर पे लेके आते हैं उस लड़के की आवाज. इंटरेस्टिंग टू नोट, अभी तक मोहन इंडिया का पानी नहीं पी रहे होते. अच्छा, ये वो सीन है जहां वो पहली बार इंडिया के पानी को पीते हैं. और जैसे जैसे ये हो रहा है BGM भी अपनी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा है. और जैसे ही वो पीक पे पहुंचता है इट प्लेज. As if Rehman wants to emphasize कि वो एक मिट्टी के कप में ही पी रहे हैं जिसकी अपनी एक खुशबू है. And good or bad, लेकिन अब इस खुशबू के साथ मोहन एक हो गए. जब भी मोहन इंडिया को लेकर इमोशनल हुए तब रहमान ने इस ट्यून का यूज किया. मेरे कंधे पे भी गोली लगी, फरंगियों ने तंग आकर हमें जेल में डाल दिया, हम वहां भी नारे लगाते रहे. अब इन दादाजी के साथ रहमान ने ये ट्यून जोड़ दिया. जब नेक्स्ट टाइम रहमान ये ट्यून यूज करते हैं तो मोहन ऑलरेडी नासा में है और अब जिस लाइन पर फोकस है वो ये जो देश है तेरा वाली लाइन है. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये जो शहनाई का यूज किया गया इस मूवी में. इट्स ऑलमोस्ट टेलिंग अस कि एक अफेयर था इंडिया के साथ मोहन का, बट नाउ इट हैज टर्न्ड इनटू अ मैरिज जिसको वो बुला ही नहीं सकते, वो चाहे कहीं भी चले जाए. एक बार शुरुआत में चलते हैं, जब मोहन इंडिया आते हैं और चरणपुर पहुंचते हैं, जैसे ही मोहन की कैरावान गांव में घुसती है ये वाला BGM बजता है. इस ट्यून को सुन के मेरे को गुमसुम गुमसुम वाली ट्यून याद आती है. और क्लाइमेक्स में जब ये श्योर हो जाता है कि मोहन इज गोइंग बैक टू इंडिया तब रहमान इस ट्यून को यूज करते हैं. टेलिंग अस फाइनली दैट दिस इज हिज आयोरे मोमेंट. ऑलराइट मोहन, गो लाइट योर बेल्ट. अब मैंने आपको बताया था कि मोहन इंडिया आए थे कावेरी अम्मा के लिए, तो जब भी वो कावेरी अम्मा के बारे में सोचते हैं तब ये वाली ट्यून बजती है. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विनो, ये बात मैंने अब महसूस की. अरे ये क्या कर रहा है? इस कन्फ्रंटेशन में देखिए जब मोहन अपनी ट्रू फीलिंग्स कावेरी अम्मा को बता रहे हैं. एक और लव्ज नहीं. और एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये ट्यून हमें सुनाई देती है जब गीता और मोहन दोनों कावेरी अम्मा के प्यार के लिए लड़ रहे होते. लेकिन मेरी भी माँ है वो. अब रहमान ने किसी को स्पेयर नहीं किया है. जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इस मूवी के सबको उनका अपना BGM दिया है. जैसे मेला राम जो अमेरिका में जाके अपना ढाबा खोलना चाहते हैं. आई डोंट नो, मैं बस समझना चाहता हूँ कि कैसे रहमान ने सोचा होगा कि उसको ढाबा खोलना है तो मैं शावा शावा को ढाबा ढाबा बना देता हूँ. आई विल मीट अगेन सर. थैंक यू टेलर राम. सर मेला राम, सॉरी मेला. और पहलवान साहब को भी मिलती है अपनी एक ट्यून. चिट्ठी छाटू भी बांटू भी और मोहर भी लगाओ. ये वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगता है जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि ईमेल जैसी एक चीज आ गई है जिससे उन्हें दौड़ दौड़ के पोस्ट नहीं भेजने पड़ेंगे. और कैसे सडनली हार्मोनियम आ जाता है. सारी चिट्ठियां घर घर में ईमेल से ईमेल कर दूंगा. ईमेल गुरु ज्ञान करावत, ईमेल संसार चनावत. इनको ही नहीं नासा को भी अपना एक कैरेक्टर देने के लिए एक अपना BGM दिया गया है. और मोहन की जिंदगी जो वो अमेरिका में जी रहे हैं जिसमें ये डिनोट करना चाहते हैं कि कितनी लग्जरी है उस जिंदगी में, तो सैक्सोफोन का यूज करते थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस कमाल की थी और तेरा प्रेजेंटेशन एक्सलेंट. इंटरेस्टिंगली बाद में जब गीता के लिए जो मोहन की अट्रैक्शन है उसे दिखाना होता है तो ये सेम ट्यून यूज करते हैं. लेकिन जब मोहन पहली बार गीता को देखते हैं तो फन का तड़का लगाने के लिए वो ये ट्यून यूज कर रहे हैं. तो ये वाला इंटरेक्शन देखिए जब वो सरपंच से मिलने जाते हैं.
मुनीश्वर जी। जीते रहो जी। जो काम तुमने बताया तुम करते हो वो काम तो अपना सहदेव भी करत है। आसमान साफ है, दो दिन तक बादल नजर नहीं आएंगे। मुझे तो गांव के बच्चों के ऊपर तरस आता है। एंड में रेवोल्यूशनाइज कर रहे होते हैं चीजों को, तो इस ट्यून को फिर से बहुत एंथुसियास्टिकली यूज किया जाता है। जाते जाते एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्यून जो आई एम श्योर किसी के भी नजर में नहीं आई होगी, वो है जब आप मूवी देखने बैठते हो तब आपको ये लोगो आते हुए दिखता है। तो ऑब्वियसली आप इग्नोर कर देते हो, लेकिन एक सीन आता है जब ये ट्यून दोबारा लौट के आती है। एक बात याद रखना, अपने ही पानी में पिघल जाना बर्फ का मुकद्दर होता है। अब कावेरी अम्मा चाहते हैं कि मोहन इंडिया में रुक जाए, और ये जो ट्यून है वो डिनोट करती है इसी आइडिया को। अब मोहन पूछते हैं कावेरी अम्मा से कि उनकी छुट्टियां खत्म हो रही है, उन्हें वापस जाना है। और कावेरी अम्मा उन्हें कह रही है कि मेरा एक और काम है, वो तुम कर दो, उसके बाद चले जाना। ये हम ऑडियंस को बताने के लिए कि बैक ऑफ द माइंड कावेरी अम्मा के वो आइडिया ही प्ले कर रहा है इस टाइम पे। आपने क्या सोचा? पहले तो ये काम तो करा। तुम मोहन को क्यों भेज रहे हो? कुछ ही दिन पहले मैंने हरिदास को संदेश भेजा था ना। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। मोहन और गीता की ये जो इंटरेक्शन हो रही होती है विच डिनोट्स कि मोहन एक्चुअली लाइक्स गीता। गलत समझ ले, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती है। कावेरी अम्मा इसे सुन रही होती है और वो सेम ट्यून प्ले कर रही होती है। So you get the point. Kaveri Amma knows this is another way that Mohan can stay back in India. Well, ये तो कुछ broader themes थी movie की, लेकिन कुछ और tunes हैं जो बहुत सारे instances पर आपको सुनने मिलती हैं। चरणपुर, तो समझने की बात ये है कि अगर हम इन तारों को मिलाकर देखें, तो कुछ भी बनता है। दशहरे की सुबह आप इन दोनों को यहाँ ले आइए, उसी शुभ अवसर पर हम उन दोनों का पाठशाला में दाखिला कर देंगे। जी अच्छा, नमस्ते। Well, this was all the episode. I would really like you to watch the Rang De Basanti video if you like this concept, and subscribe to the channel, like this video, share it with your friends if you think it is worthy of it. Till then, see you next time.